जैसा कि गाइस आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है पीएमएस नाम का, और जिसके अंदर पोस्ट कलेक्शन है। और इसके अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरी 100 पोस्ट डली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मेरी लास्ट पोस्ट है जो कि आपको दिखा देता हूँ, लास्ट में 100 है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर 181 यहाँ पर चल रहा है पेजिनेशन, ठीक है। और आई थिंक ये और भी है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से दिखाऊँ तो 1 से लेकर के 100 तक जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ID 1 है और वो मैंने 100 दिखा दी। अब मैं चाहता हूँ वो 100 वाला डेटा था, वो लास्ट इंसर्टेड जो था, उसको मैं गेट करना चाहता हूँ इन मॉन्गूज, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है क्या, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी मॉन्गूज इम्पोर्ट कर रखा है और उसको मैं यूज कर रहा हूँ। डेटाबेस मेरा पॉइंट है और मेरा स्कैमा वगैरह क्रिएटेड है, मेरा मॉडल भी बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड को निकालना, तो मैं सबसे पहले एक असिंक मेथड बना लेता हूँ। तो मेरी क्वेरी को समझने की कोशिश करिएगा, लॉजिक वही है, ठीक है। तो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा गेट पोस्ट, ठीक है। ये मैंने मेथड बनाया जो कि असिंक मेथड है, और यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं नीचे। तो हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अवेट यूज करूंगा, जैसा कि आप जानते होंगे असिंक अवेट हम यूज करते हैं। ट्राई कैच यूज करूंगा, ट्राई कैच में मैं यहाँ पे अगर कोई एरर होती है तो कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और एरर को प्रिंट कर देता हूँ। ये होगी मेरी प्रिंट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं मॉडल को यूज करूंगा, पोस्ट डॉट फाइंड। अब जैसा कि आप जानते हैं, देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लास्ट इंसर्टेड डेटा निकालना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ सारे रिकॉर्ड्स में से निकले। तो मैंने यहाँ पे फाइंड को एम्प्टी कर दिया। आई थिंक आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आप अगर आप चाहते हैं कि फाइंड करो ये और फिर उसमें भी सॉर्ट करो, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इतना काम किया है, डॉट सॉर्ट को यूज करूंगा। सॉर्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अंडरस्कोर ID कॉलन -1। मैंने -1 ही क्यों पास किया, अगर आप देखोगे फाइंड को अगर मैं यूज करता और इसमें डेटा को मैं प्रिंट कराता तो क्या होता, मेरे को सारा डेटा मिलता है मतलब ऑर्डर वाइज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक जाता, बट अब हमने क्या किया, ID -1 कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमें रिवर्स ऑर्डर में देगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं 100 99 98 97 96 ऐसे चलता जाएगा और आपको इस तरीके से डेटा देने वाला है, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे ऑर्डर में डेटा दे रहा है, जो कि आपको कभी ना कभी नीड पड़ी जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट और मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, पोस्ट लिख देता हूँ, बेसिकली काफी पोस्ट आएंगे इसमें। और मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया पोस्ट को, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल पर गया और मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करके नोडमोन index.js रन किया। तो अब मेरी सब जो देख सकते हैं यहाँ पर 1 जो है लास्ट में आ रही है और 2 इसके ऊपर है और फिर 7, ठीक है। हालांकि ये अब क्या हो गया, सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, हमें लिमिट लगानी है कि हमें एक ही रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अब ये क्या है, 100 से लेकर के 1 तक तो जा रहा है पर सारे रिकॉर्ड दे दिया, अब हमें लिमिट लगानी है। तो डॉट लिमिट सिंपल लॉजिक है इसका, लिमिट कर दो 1। तो अब इससे क्या होगा, ये 100 वाले को ही उठाएगा, बाकियों को स्किप कर देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सेव करके रन करते हैं, तो मैं अगेन रन करके दिखा देता हूँ, node index.js। तो गाइस रन की देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपको जो है आईडी मिली है 100। और यहाँ पर मैं अगर ऊपर जाऊं तो बेसिकली ये तो अभी पुराना डेटा है जो कि अभी बेसिकली हमारा तो यहाँ से रन हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है सॉर्ट होकर के मिल गया डेटा। अगर मैं गाइस बाय द वे इसको क्लोज करके दोबारा से यहाँ पर रन करता हूँ, आई थिंक आपको अगर मिसमैच हो रहा है तो कुछ, तो अगेन करता हूँ इसको क्लोज करके ओपन। अब मैं करता हूँ node index.js, ठीक है। तो अभी हमें वही एक ही डेटा मिलना चाहिए, देख सकते हैं गाइस आपको एक ही डेटा मिल रहा है। पहले आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि हमें प्रॉपर डेटा मतलब सारे डेटा मिल रहा था, वो बेसिकली जब हम क्लियर कर देते हैं फिर भी वो पुराने रिकॉर्ड्स को निकाल लेता है, ठीक है। मतलब पुरानी कमांड्स को भी रन करके दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 100 वाली पोस्ट मिल पा रही। तो ऐसे आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड को यूजिंग दिस क्वेरी। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि क्वेरी आप कैसे यूज कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको कंसोल में यूज करना है, सॉरी कंसोल नहीं, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करना है, तो आप क्या लिखोगे, db. जो आपका कलेक्शन नेम है, फिर डॉट फाइंड सॉर्ट करके आप इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।